आपके गिफ्ट डिलीवरी के लिए, तो इधर दुबई के जो भी चार्जेस होंगे हम क्लियर करवा के भेजेंगे। पर नेपाल जो आपने भेजा है ना बीरथनगर एयरपोर्ट, यहीं से आपके टिकट का टोकन लेना पड़ेगा, ठीक है, जिसके चार्जेस आ रहे हैं 4,100 रुपए, वो आपने ही पे करने हैं, ठीक है। आप जैसे पे करेंगे उसका स्क्रीन शॉट देख मुझे सेंड करना। हजुर पनि हेर्नुहुन्छ, मलाई पनि यस्तो मेसेज आएको थियो र सबै मैले ट्रस्टेड मानेर सबै मेसेजको रिप्लाई दिए। त्यसपछि के मेसेज रहेछ म साउन्ड पनि हेराइदिँदैछु पहिले उतैबाट। ओके ब्रदर वेट करे मैं आपका गिफ्ट रेडी करके आपको देख करता हूं बाद में। ओके आप वो बोल रहा था कि हाँ गिफ्ट आईडी कार्ड चूज करके उसके बाद भेजूंगा, उसके बाद ये रिकॉर्ड्स ओके आपके करीब एयरपोर्ट कौन सा है, ठीक है, आप एयरपोर्ट का नाम टाइप करके मुझे सेंड करो क्योंकि बाय फ्लाइट आएगा ना दुबई से नेपाल में, तो एयरपोर्ट का नाम टाइप करो जो आपके करीब है और मुझे सेंड करो। ओके मैंने विराटनगर बोला उसके बाद फिर से मैसेज सुनो कितना मजे। ओके ब्रदर डोंट वरी, इजी हो जाओ आप, ठीक है, मैं आपको टिकट कन्फर्म करवाता हूँ क्योंकि ये बाय फ्लाइट आएगा दुबई से नेपाल में, ठीक है, तो इसके लिए ऑनलाइन टिकट बुक करना पड़ेगा। मैं आपको ऑनलाइन टिकट कन्फर्म करके आपसे कॉन्टेक्ट करता हूँ बाद में। ओके मैं वो स्क्रीन शॉट आगे एयरपोर्ट वालों को भेज के आपको ऑनलाइन टिकट कन्फर्म करके आपका गिफ्ट डिलीवर करवा दूंगा। ओके सुन सकते हो, पहले 4,000 मांगे उसके बाद मैंने ओके का जो आपको चार्जेस आ रहे हैं 4,100 रुपए, तो कितनी देर में पे करोगे? मैं आपको ऑनलाइन में अकाउंट लेके सेंड करता हूँ, आपने उसमें पे करके स्क्रीनशॉट मुझे देना है ताकि मैं वो स्क्रीनशॉट आगे एयरपोर्ट वालों को सेंड करके आपको ऑनलाइन टिकट कन्फर्म कर दूँ। ओके अभी आपको कितना टाइम लगेगा? यस्तो स्कैमरहरुबाट आज पनि बस्नु होला र यस्तो कोही भन्यो भने पे गरिदिनु होला, नभए हजुरको पेमेन्ट फाँस्छ र स्क्याम हुन थाल्छ। यो सबै स्क्यामर हो, यस्तो पहिले कल गरेर गर्दैन, अफिसियल जस्तै युट्युब च्यानल हुन्छ र फेसबुक हुन्छ त्यहीबाट मेसेज आए मात्रै ट्रस्ट मान्नु होला, र त्यसले गिफ्ट पठायो भने त्यो पैसाहरू माग्दैन, डाइरेक्ट घरमा लिएर आउँछ।